पीटीआई फाउंडिंग चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से दो रिट पिटीशन मैंने दायर की थी। एक रिट पिटीशन में ये इस्तेदा की गई थी कि जेल हुकाम वकला की खान साहब के साथ होने वाली हर मुलाकात को रिकॉर्ड करते हैं, उनके दो बंदे एक वकला के साथ और एक खान साहब के पीछे बैठा होता है, और कानून शहादत के तहत बार प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत और आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 10A के तहत वकील और मौकिल की जो कन्वर्सेशन या गुफ्तगू होती है उसको कानून क्लासिफाइड प्रिविलेज का दर्जा देता है, यानी कोई उनको सुन नहीं सकता है। तो अदालत ने गुज़िश्ता पेशी पे जेल हुकाम को तलब किया, सरकार को नोटिस किया, आज उस पर समात हुई और लैंडमार्क फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हॉनरेबल जज सरदार एजाज इसहाक खान ने यह करार दिया है कि आइंदा खान साहब के साथ जो भी मुलाकात वकला की होगी उसको कोई भी जेल का कोई भी अफसर या मातात हमारे साथ नहीं बैठेगा, ना हमारी कोई कार्रवाई सुनेगा, नंबर वन। नंबर दो, जज साहब ने इस पे भी हैरत का इजहार किया कि 7-8 माह से जब से खान साहब आए हैं तो हमारी कोई दस्तावेज़ खान साहब तक ले जाने नहीं दी जाती है, हत्ता कि पेन स्टेशनरी किसी किस्म की। तो उन्होंने ये भी इजाज़त दी है कि वकला के कोई दस्तावेजात ना स्कैन होंगे ना कापी होंगे और ना स्टेशनरी ले जाने पे कोई रोकथाम होगी। दूसरी बात जो हम अदालत के नोटिस में लाए और जिस पे अदालत ने आज हुक्म जारी किया कि इलेक्शन होने के बाद सेनेटर्स एमएनएस एमपीएस खान साहब से मिलना चाहते हैं तो हर केस में जेल हुकाम कहते हैं कि हम अपने तई मुलाकात नहीं दे सकते हैं, हम अपने तई मुलाकात नहीं दे सकते हैं और हमें हाई कोर्ट आना पड़ता है। तो इस पर अदालत ने जेल हुकाम को ये हिदायत दी कि आइंदा जो भी खान साहब की मुलाकात आए आप खुद फैसला करेंगे और मुलाकात देंगे। तो ये आज की कार्रवाई थी जिस पे आपको आगाह करना ज़रूरी था। जरूर अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के हवाले से अपने लाए अमल का ऐलान करेगी। आज हमारे एमपीएस को असेंबली हाल में जाने नहीं दिया गया और जब से मरियम नवाज का नाम सामने आया है तो इमरान रियाज की गिरफ्तारी से शुरू होने वाली इस्तेबदाद जो है आज तक जारी है, दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है और हमें खदशा है कि पंजाब जो है वो अनकरीब तमाम आज़ाद मंच साफियों के लिए जमहूरियत पसंदों के लिए और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखने वालों के लिए नो गो एरिया बना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला पंजाब बन गई हैं तो आप रास्ता नहीं रोक सके, यहाँ पर मरकज में शहबाज शरीफ आ रहे हैं तो उनका रास्ता किस तरह आप रोकेंगे? हम तो या तो अदालती तरीके से रोक सकते हैं, आप देख रहे हैं सारा दिन हमने अदालत में गुजारा, सुप्रीम कोर्ट गया हूं मैं, वहां पे आर्टिकल 184(3) की पिटीशन दायर की है। एहतजाज के लिए खान साहब ने लाअमल देना है कि आया जिस दिन नेशनल असेंबली की वो टेकिंग होगी क्या उस दिन एहतजाज करना है या असेंबली में जाके हमने अलफ उठाना है। आज हमारी टीम की मुलाकात खान साहब से हुई होगी और इस हवाले से अडियाला जेल से खबर आ जाएगी। थैंक यू। यानी इसमें इंक्वायरी की जाती है, हमने कहा इतनी सी इंक्वायरी कर लें कि जो फॉर्म 45 हम लाए हैं उनको आप अपने फॉर्म 45 से टेली कर दें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिले हैं, या बसूरत दीगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बुला लें और उनसे पूछ लें कि क्या फॉर्म 47 के मुताबिक उनके फॉर्म 45 जो है उनके नतज सही इंकारपोरेट हुए हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी एक केस में भी हमारी ये इस्तेदा कबूल नहीं की है अभी तक, और लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ज़्यादा जोर इसी पे है कि हम ट्रिब्यूनल्स में जाएं। अभी तक जो फैसले आ रहे हैं उससे यही इंदिया मिल रहा है।
यहाँ आपको ये बताता चलूं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई, फाउंडिंग चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से दो रिट पिटीशन मैंने दायर की थी। एक रिट पिटीशन में ये इस्तेदा की गई थी कि जेल हुकाम वकला की खान साहब के साथ होने वाली हर मुलाकात को रिकॉर्ड करते हैं, उनके दो बंदे एक वकला के साथ और एक खान साहब के पीछे बैठा होता है, और कानून शहादत के तहत बार प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत और आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 10A के तहत वकील और मौकिल की जो कन्वर्सेशन या गुफ्तगू होती है उसको कानून क्लासिफाइड प्रिविलेज का दर्जा देता है, यानी कोई उनको सुन नहीं सकता है। तो अदालत ने गुज़िश्ता पेशी पे जेल हुकाम को तलब किया, सरकार को नोटिस किया, आज उस पर समात हुई और लैंडमार्क फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हॉनरेबल जज सरदार एजाज इसा खान ने यह करार दिया है कि आइंदा खान साहब के साथ जो भी मुलाकात वकला की होगी उसको कोई भी जेल का कोई भी अफसर या मातात हमारे साथ नहीं बैठेगा, ना हमारी कोई कार्रवाई सुनेगा, नंबर वन। नंबर दो, जज साहब ने इस पे भी हैरत का इजहार किया कि 7-8 माह से जब से खान साहब आए हैं तो हमारी कोई दस्तावेज़ खान साहब तक ले जाने नहीं दी जाती है, हत्ता कि पेन, स्टेशनरी किसी किस्म की। तो उन्होंने ये भी इजाज़त दी है कि वकला के कोई दस्तावेजात ना स्कैन होंगे, ना कापी होंगे और ना स्टेशनरी ले जाने पे कोई रोकथाम होगी। दूसरी बात जो हम अदालत के नोटिस में लाए और जिस पे अदालत ने आज हुक्म जारी किया कि इलेक्शन होने के बाद सेनेटर्स, एमएनएस, एमपीएस खान साहब से मिलना चाहते हैं तो हर केस में जेल हुकाम कहते हैं कि हम अपने तई मुलाकात नहीं दे सकते हैं, हम अपने तई मुलाकात नहीं दे सकते हैं और हमें हाई कोर्ट आना पड़ता है। तो इस पर अदालत ने जेल हुकाम को ये हिदायत दी कि आइंदा जो भी खान साहब की मुलाकात आए आप खुद फैसला करेंगे और मुलाकात देंगे। तो ये आज की कार्रवाई थी जिस पे आपको आगाह करना ज़रूरी था। जरूर अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के हवाले से अपने लाए अमल का ऐलान करेगी। आज हमारे एमपीएस को असेंबली हाल में जाने नहीं दिया गया और जब से मरियम नवाज का नाम सामने आया है तो इमरान रियाज की गिरफ्तारी से शुरू होने वाली इस्तेबदाद जो है आज तक जारी है, दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है और हमें खदशा है कि पंजाब जो है वो अनकरीब तमाम आज़ाद मन साफियों के लिए कोई दस्तावेज़ खान साहब तक ले जाने नहीं दी जाती है, हत्ता कि पेन, स्टेशनरी किसी किस्म की। तो उन्होंने ये भी इजाज़त दी है कि वकला के कोई दस्तावेजात ना स्कैन होंगे, ना कापी होंगे और ना स्टेशनरी ले जाने पे कोई रोकथाम होगी। दूसरी बात जो हम अदालत के नोटिस में लाए और जिस पे अदालत ने आज हुक्म जारी किया कि इलेक्शन होने के बाद सेनेटर्स, एमएनएस, एमपीएस खान साहब से मिलना चाहते हैं तो हर केस में जेल हुकाम कहते हैं कि हम अपने तई मुलाकात नहीं दे सकते हैं, हम अपने तई मुलाकात नहीं दे सकते हैं और हमें हाई कोर्ट आना पड़ता है। तो इस पर अदालत ने जेल हुकाम को ये हिदायत दी कि आइंदा जो भी खान साहब की मुलाकात आए आप खुद फैसला करेंगे और मुलाकात देंगे। तो ये आज की कार्रवाई थी जिस पे आपको आगाह करना ज़रूरी था। जरूर अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के हवाले से अपने लाए अमल का ऐलान करेगी। आज हमारे एमपीएस को असेंबली हाल में जाने नहीं दिया गया और जब से मरियम नवाज का नाम सामने आया है तो इमरान रियाज की गिरफ्तारी से शुरू होने वाली इस्तेबदाद जो है आज तक जारी है, दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है और हमें खदशा है कि पंजाब जो है वो अनकरीब तमाम आज़ाद मन साफियों के लिए, जमहूरियत पसंदों के लिए और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखने वालों के लिए नो गो एरिया बना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।
मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला पंजाब बन गई हैं तो आप रास्ता नहीं रोक सके, यहाँ पर मरकज में शहबाज शरीफ आ रहे हैं तो उनका रास्ता किस तरह आप रोकेंगे? हम तो या तो अदालती तरीके से रोक सकते हैं, आप देख रहे हैं सारा दिन हमने अदालत में गुजारा, सुप्रीम कोर्ट गया हूँ मैं, वहाँ पे आर्टिकल 1843 की पिटीशन दायर की है। एहतजाज के लिए खान साहब ने लायमल देना है कि आया जिस दिन नेशनल असम्बली की वो टेकिंग होगी क्या उस दिन एहतजाज करना है या असम्बली में जाके हमने अलफ उठाना है। आज हमारी टीम की मुलाकात खान साहब से हुई होगी और इस हवाले से अडियाला